मदरसों को लेकर के। योगी के आदेश के बाद यूपी के जो गैर सरकारी मदरसे हैं, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उनके सर्वे का काम शुरू हो गया है। 12 पॉइंट पर सर्वे किया जा रहा है और सर्वे को लेकर के क्या ताजा अपडेट है ये तो हम आपको बताएंगे दिखाएंगे। लेकिन देवबंद के जो उलेमा हैं, दारुल उलूम देवबंद के लोग भी भड़के हुए हैं। जितने भी मदरसे हैं देवबंद से लेकर के लखनऊ तक, जौनपुर से लेकर बनारस तक, गाजीपुर से लेकर के आजमगढ़ तक, जितने भी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इन सभी को चेक किया जाएगा। 12 पॉइंट पर इनका सर्वे किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि इनकी फंडिंग आखिरकार कहां से आती है। इंडिया न्यूज संवाददाता अलीगढ़ से मोहित मेरे साथ में लाइव है, मोहित के पास में सीधे चलते हैं। मोहित, अलीगढ़ की रिपोर्ट क्या है? सर्वे टीम पहुंच गई है क्या? सर्वे टीम को कितने गैर सरकारी यानी गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं इसके बारे में बताएं भी, तस्वीरें अगर हो सके आप दिखाएं भी। अलीगढ़ से मोहित लाइव। देखिए बिल्कुल आशीष जी, मैं आपको बता दूं कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं योगी सरकार लगातार सख्त नजर आ रही है। देखिए टीम मदरसे से बस कुछ बाहर मैं मौजूद हूं और बस 10:30 बजे जो मेरी जिला बेसिक अधिकारी हैं उन्होंने अपनी जांच दी हुई है शिक्षा खंड अधिकारी को, बस आने वाले हैं क्योंकि कल भी एक मदरसे की जाँच हुई थी। लगभग अलीगढ़ में 250 ऐसे मदरसे हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, यानी कि अपने अपने किसी न किसी संस्थान से मान्यता प्राप्त है। 10 तस्वीरें एक बार हम दिखाते हैं। तस्वीरें लखनऊ, अलीगढ़, देवबंद, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, जौनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मथुरा, इतने शहरों की ये तस्वीरें हैं और इन 10 तस्वीरों में हम ये दिखा रहे हैं कि मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं इसके सर्वे का काम शुरू हो गया है। सर्वे के लिए टीम पहुंची हुई है और अधिकारियों की एक बड़ी टीम है और जैसा कि मैंने बताया फंडिंग कैसे की जाती है, मैनेजमेंट किस तरह काम करता है, कोर्स क्यूरिकुलम में क्या क्या चलता है। मोहित एक बार फिर से आप बताएं ये 12 पॉइंट कौन कौन से हैं, क्या आपके पास में वो फॉर्म है 12 पॉइंट वाला? अगर हो है तो आप हमें दिखाएं भी 12 पॉइंट में क्राइटेरिया क्या क्या तय करना है, किस किस क्राइटेरिया को मदरसों को फुलफिल करना है। देखिए बिल्कुल राशिद जी, मैं अगर 12 पॉइंटों की बात बताऊं तो सबसे पहला इसमें पॉइंट दिया गया कि मदरसा का नाम भरा जाएगा, यानी कि मदरसा किस नाम से है वो पूरा जो फॉर्मेट है उसमें भरा जाना है। दूसरा, मदरसा संचालित करने वाली संस्था आखिर कौन सी है, मदरसा किस संस्था से संचालित हो रहा है, ये दूसरा फॉर्मेट दिया गया। और तीसरा ये दिया गया है कि जो मदरसा है उसका स्थापना वर्ष क्या है, मदरसा कब संस्थापित किया गया था उसका स्थापना वर्ष क्या है ये किया जाएगा। वहीं चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि मदरसों की जो स्थिति है वो कैसी है, बिल्डिंग अपनी है या किराए की है, इसका पूरा ब्यौरा देना है। और अच्छा, जो योगी सरकारी लगातार पहले मोहित एक मिनट जाइए, मोहित एक मिनट जाइए, बाकी भी रिपोर्टर्स के पास में चलेंगे, देवबंद भी आपको लेकर के चलेंगे। लेकिन देवबंद की जो बड़ी खबर है ना वो ये कि दारुल उलूम देवबंद मदरसों को लेकर के भड़का हुआ है। दारुल उलूम देवबंद ने 18 सितंबर को एक बड़ी मीटिंग बुलाई है, इस मीटिंग में यह फैसला किया जाएगा कि आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना है। सर्वे के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा और इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हुए दारुल उलूम देवबंद आगे अपना कोर्स ऑफ एक्शन तय करने वाला है। देवबंद में SDM ने क्या कहा है, यानी जो देवबंद प्रशासन है वो किस तरह से चौकन्ना है, किस तरह से प्रशासन अलर्ट पर है, एक बार आप देखें SDM को एक बार सुनाया जाए। प्राप्त सभी मदरसों के सत्यापन के लिए तहसील वाइज टीम बनाई गई है। तहसील देवबंद में SDM और BSA और अल्पसंख्यक विभाग के टीम बनाई गई है, उसी में हम लोग और शिक्षा विभाग के लोग उसी आदेश के क्रम में मदरसों की जांच के लिए गए थे। उसमें शुरू हो गया मदरसों का जांच जो है और हमको जो है 5 अक्टूबर तक सभी गैर मान्यता अपनी तहसील में कहा, ये भी हम बाद में आपको सुनाएंगे। फिलहाल खबरों में